Assalamualaikum पाकिस्तान, Assalamualaikum viewers, मैं हूँ हया और मेरे साथ है सोबी। सोबी नजर तो नहीं आ रही है, सामने बैठी हुई है और जी, लेकिन सोबी के बच्चे और मेरे भांजे यहाँ पे मौजूद हैं। इनका नाम है सुभान और इनका नाम है सुफियान। तो सुभान और सुफियान और ईमान और नौमान कह रहे थे कि जी आज बारिश हो रही है तो पकौड़े होने चाहिए। वैसे भी अभी 1-2 वीक्स हुए हैं इन्हें सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हुए और ये अब जो है खाला और मामा के हाथ के पकोड़े खाना चाह रहे हैं। तो जी साथ में इनके दादो भी मौजूद हैं जो कि इनविजिबल हैं, नजर नहीं आ रही लेकिन सामने खड़ी हुई हुई हैं। और जी अच्छा सुभान, आपने कहा था कि पकोड़े खाने हैं, खाने हैं आपने पकोड़े? जोर से बोलोगे तो आवाज पहुंचेगी ना उन पर। तो ना खाने हैं, उसको शर्म आ रही है। ये सऊदियंस जो है वहाँ पे जो पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं, मुझे तो लगता था कि ये शर्माते नहीं होंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्माते हैं, है ना? आप शर्मीले हो? शर्मीले हो, अच्छा। सुभान तो शर्मीला है लेकिन सुफियान शर्मीला नहीं है, है ना? सुफियान कहता है कि नहीं मैं तो शर्मीला नहीं। तो आप पकौड़े खाओगे? खाओगे? चले जी, स्माइल बताती है कि खाएंगे। तो जी व्यूवर्स, आप हमें जरूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिए हया सोबी व्लॉग को, और जी हमें जो है सपोर्ट भी कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि बाकी वीडियोस भी हमारी आपको जो है वो मिल जाए। हम आज बनाने जा रहे हैं पकोड़े क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही है और बहुत अरसे के बाद जो है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है इस बारिश के लिए। आइए हम भी पकौड़े इंजॉय करते हैं, आप भी पकौड़े इंजॉय करें। तो जी ये मौसम जो है, बारिश हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी में और जी मौसम जो है कह रहा है कि पकोड़े बनाए जाएं और पकोड़े खाए जाएं। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इस बारिश के मौसम में वो है जी पकोड़ों की रेसिपी, और आई होप सो कि जी आप पसंद करेंगे क्योंकि वैसे भी बारिश में पकोड़े और चाय हम सब इंजॉय करते हैं। तो ये है जी खूबसूरत मौसम। ओके जी, अब आपको बताते चले, मेरे पास ये है जी, मैं यूज करती हूँ कॉर्न ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। बेसन है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास जीरा है, जीरा के अलावा मेरे पास अनार दाना मौजूद है, धनिया है मेरे पास और मैंने प्याज काटी हुई है। इसके अलावा मेरे पास जो है ग्रीन चिली जो कि मैंने बारीक काटी हुई है। मेरे पास तमाम मसाले मौजूद हैं जिसमें हल्दी है, मेरे पास जो है हल्दी के अलावा सुर्ख मिर्च है और मेरे पास सॉल्ट है। हमने ऐड करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है बेसन में, इसके बाद मैंने जीरा ऐड किया है 1 टेबलस्पून और मैंने ये सब्ज मिर्च ऐड कर दी है जो कि बारीक कटी हुई है। इसके अलावा मैंने अनारदाना ऐड किया है और मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है, साथ में प्याज जो मैंने बारीक काटा हुआ था इसको भी ऐड किया है और आलू ऐड कर दिए। अब हमने जो है इसमें जो है सॉल्ट ऐड किया है, हस्बे जायका हमने मिर्च ऐड कर देनी है जो सुर्ख मिर्च है, इसके अलावा मैंने हल्दी ऐड किया है। हमने इसको जो है मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से और ऑयल में इसको तलना स्टार्ट कर दिया। एक साइड जब इसकी थोड़ी सी आपको ब्राउन लगे तो फिर आप इसको पलट लें। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें और फ्राई जब हो जाए तो फिर आप जो है इसको एक डिश में जो है निकाल लीजिए। ओह जी, इसके अलावा मैंने जो है वो मिर्च के पकोड़े भी बनाए हैं। सब्ज मिर्च के अंदर मसाला जो चाट मसाला होता है उसको भरने के बाद आप इसको भी फ्राई कर लें, और साथ में मैंने आलू के पकोड़े भी बनाए हैं क्योंकि बच्चों को आलू के पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने आलू के पकोड़े भी जो है इसमें तल लिए और इसको भी एक प्लेट में मैंने निकाल लिया। टिश्यू पेपर रख लें ताकि इसका जो ऑयल है वो टिश्यू में जज्ब हो जाए। और इस तरह मैंने चटनी भी बनाई है क्योंकि पकोड़े और चटनी ना हो तो फिर, यानी पुदीने की चटनी ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो ये जी हो गई है पकोड़ों की रेसिपी तैयार, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं और जी अब हम इनको खाएंगे। मैंने चाय भी तैयार की है और अब हम जो है ये यमी किस्म के पकोड़े खाएंगे।
क्योंकि वैसे भी विंटर्स की पहली बारिश हुई है और बहुत टाइम के बाद बारिश हुई है, जिसके लिए हमने बहुत दुआएं की थी। इसलिए अब हम पकौड़ों के साथ लुत्फानंदोज होंगे। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। मेरे साथ हम सब बच्चा पार्टी इंक्लूडिंग मी यहाँ पे मौजूद है और अब हम जो है वो जो हमने पकोड़े बनाए हैं इन पकोड़ों को खाएंगे मजे मजे से। इसमें मिर्च वाले भी पकोड़े मौजूद हैं और इसके अलावा जो हमने अभी सिंपल पकोड़े बनाए वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है ये आलू वाले पकोड़े भी मौजूद हैं। आप खाओगे पकोड़े? इतनी देर से वेट कर रही हो ना आप खाने के लिए। तो ये ईमान मौजूद है, ईमान को बहुत शौक हो रहा था, कह थी कि खाला आज तो लाजमी पकौड़े होने चाहिए। क्यों? तो ये पकौड़े मौजूद है हमारे पास और सब हम बैठ गए खाना खाने के लिए, खाना तो नहीं पकौड़े खाने के लिए। और जी अब हम मजे मजे से इसको खाएंगे बिकॉज इट्स यम्मी। चलिए जी हम अब ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को जरूर जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। हमने आपको बताया है कि जी पकौड़े कैसे बनते हैं, वैसे तो सबको मालूम होता है लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जी पकौड़े की रेसिपी हम खा रहे हैं तो आपके साथ भी शेयर करें। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।